आदरणीय मित्रों, श्री अवतार का बोध हो, श्री माता धरती का बोध हो। मित्रों, जब मैं छोटा था, देखता भगवान शिव के स्वरूप को, देखता फोटो में कि भाल पर उनके हैं चंद्रमा, और मेरा तार्किक मन कहता कि ये कैसे संभव है कि चंद्रमा कहाँ है और कोई देहधारी जो रहता है हिमालय में कैलाश पर, वैसे व्यक्ति का शारीरिक आकार उतना बड़ा नहीं हो सकता कि भाल पर चंद्रमा आ जाए। शायद आपके भी मन में ऐसे प्रश्न होते हो। भगवान शिव के मस्तक पर चांद का होना, यह कुछ अटपटा नहीं लगता आपको? लगता है? देखिए, आज हम इस विषय पर ही विचारने वाले कि भगवान शिव के मस्तक पर चंद्रमा के होने का भावार्थ क्या, गूढ़ार्थ क्या, राज क्या, रहस्य क्या। आप वीडियो को लास्ट तक देखें तो बात ठीक से समझ में आएगी। दोस्तों, चंद्रमा जो है वह बहुत बड़ा है। हाँ, धरती का बच्चा है, लेकिन फिर भी वह बहुत बड़ा है। यानी अफ्रीका महादेश के लगभग वो है। आप जानते हैं कि चंद्रमा का व्यास धरती के व्यास से एक चौथाई है और धरती चांद के बीच की दूरी है कितनी? वो है 384,403 किलोमीटर। अब जरा विचारिए कि कैलाश पर रहने वाले किसी देहधारी व्यक्ति के मस्तक पर और इतना छोटा रूप में दिखाई दे चंद्रमा, तो वह कौन सा चंद्रमा है? वही चंद्रमा है क्या कि जो दिखता है हमें रोज? क्या वही चंद्रमा है? बहुत सारे लोग मानते हैं कि हाँ, वही चंद्रमा है। भगवान भोलेनाथ से संबंधित बहुत सारे हो सकते हैं प्रश्न कि गले में सर्प का राज क्या, रहस्य क्या, नाग की माला क्यों हमेशा पहने हुए, और सवारी क्या है, बैल, ये क्या बात हुई, घोड़ा क्यों नहीं सवारी जो बैल से अधिक भाग सकता है, दौड़ सकता है, तो बैल सवारी क्यों, नाग की माला क्यों, हमेशा भभूत रमाए रहते हैं, इसका भावार्थ। हर प्रतीक का अपना एक विशेष अर्थ है। आइए इन अर्थों पर हम विचारते हैं। आप सबसे पहले जान लें कि भगवान शिव व्यक्ति नहीं है। यदि व्यक्ति मान लेंगे तो फिर हम अच्छी तरह से उन्हें समझ ही नहीं पाएंगे। शिव क्या है? शिव का अर्थ होता है कल्याणकारी, जो सबका कल्याण करे, जो कल्याणकारी तत्व गुण शक्ति ऊर्जा है ब्रह्मांड में, विश्व में है, हर अणु अणु में, वो है शिव तत्व, वो है शिव। जहर में भी शिव है, क्योंकि जहर से भी औषधि बनती है। दोस्तों, वो गले में नाग की माला का भावार्थ कि नाग क्या होता है? नाग सहज रूप से
मानव का होता है बैरी। यदि नाग सांप साथ रहे तो नाग आपको काट ही लेगा, थोड़ी सी हुई भूल आपसे वो आपको छोड़ेगा नहीं। तो नाग को सर्प को सहज बैरी माना जाता है और उसे गले से लगाना है, यानी कि स्नेह करना, प्रेम करना, अपना मानना, उसके लिए भी उदारता बरतना, यानी बैरियों को भी लगाओ गले, विरोधियों को भी लगाओ गले। जग में वास्तव में मूल रूप से तुम्हारा बैरी नहीं है कोई, विरोधी नहीं है कोई, सब कुछ ऊपर ऊपर है। इसलिए सबको अपना मानो, सबको गले लगाओ, ये कह रहे हैं भगवान भोलेनाथ। सिंबॉलिक है तस्वीर वो। और बैल की सवारी, बैल की सवारी का अर्थ, बैल होता है मेहनती, है ना, हल जोतता है, वह आपके लिए मेहनत करता है, वह गाड़ी खींचता है आपके लिए मेहनत करता है, श्रम करता है। वह जो बैल है वह श्रमशीलता का है द्योतक। शिव तो हमेशा श्रमशीलता में है, आप बैल की तरह बनिए मेहनती, आप होइए मेहनत पे सवार, तो शिवत्व की होगी प्राप्ति। यदि आप आलसी श्रमहीन रहेंगे बने हुए, तो फिर शिवत्व की प्राप्ति संभव नहीं है। शिव की सवारी तब संभव नहीं है। दोस्तों, भाल पर चंद्रमा का अर्थ, चांद सौम्यता का है प्रतीक, शीतलता का है प्रतीक। चंद्रमा शीतल है और सौम्य है, अर्थात सुंदर है, है ना, आकर्षक है, अच्छा लगता है, मन को भाता है। रात्रि में चंद्रमा भाता है और वह हमें शीतलता देता है। भाल पर चंद्रमा अर्थात अपने दिमाग को शीतल रखो, शांत रखो, है ना, उग्र ना हो, आवेश में ना आओ। आवेश से सब काम हो जाता है गड़बड़। एक छोटा सा आवेश, छोटा सा क्रोध पूरे जीवन को ही अव्यवस्थित बना सकता है। इसलिए शीतल बनो चंद्रमा की तरह और सौम्य भी दिखो, सुंदर दिखो। शरीर की सुंदरता का महत्व नहीं, तुम्हारे हृदय की सुंदरता, हृदय का सौंदर्य, मन की सुंदरता, यह अधिक रखता है महत्व। तो अपने हृदय को भी सौम्य बनाओ, शीतल बनाओ, दिमाग को ठंडा रखो। ये भगवान भोलेनाथ अपने भाल पर चांद को रखकर कह रहे हैं। दोस्तों, यदि व्याख्या में करूं तो बहुत लंबी हो जाए, भगवान शिव के हर प्रतीक की व्याख्या हो तो घंटों समय इसमें चाहिए। भगवान के हाथ में है त्रिशूल, डमरू, शेष अन्य स्वरूपों की व्याख्या हो तो। और दूसरे वीडियो में हम आपको समझाएंगे कि भगवान के डमरू, त्रिशूल, भभूत, मृगछाला वगैरह के भावार्थ क्या हैं, गूढ़ार्थ क्या हैं। धन्यवाद।